पहले तो आप देखिए हार जीत आ, कुछ दिन पहले कर्नाटक में हारे और भी जगह हारते रहे हैं कहीं डायरेक्ट जीतने की तो संभावना रही ना अभी भी नौ करोड़ दस लाख अस्सी लाख नब्बे लाख वोटर हैं कांग्रेस के पास और नौ करोड़ चालीस लाख वोट है बीजेपी के पास अभी इस बार दूसरी बात सत्तर सत्तर आज भी छियतीस सीट कांग्रेस के पास है तैंतालीस परसेंट वोट आज भी कांग्रेस के पास है इस कंट्री में और यदि आप जोड़ लीजिए छोटी छोटी वोटें बीजेपी को कोई को देश और इंसानियत और मानवता और विकास प्रगति किसान महंगाई से कोई लेना देना नहीं ये जीतने के लिए हर तरह के कुकर्म करते हैं जैसे उत्तर प्रदेश में चार महीना पहले ही पाँच महीना पहले ही मुसलमान यादव का वोटर लिस्ट से दस दस हजार हर विधानसभा में नाम गायब कर दिया आ उसके बाद उन्होंने जहाँ बिश बसपा बस चुनाव अच्छे से लड़ रही थी फाइट दे रही थी जहाँ उसका वोटर्स ज़्यादा थे वहाँ पर सपा को पंप कर दिया पैसा दे के और जहाँ सपा लड़ रही थी वहां पर सपा को पंप कर दिया पैसा दे लेकिन हार की वजह क्या मानते हैं कांग्रेस में मैं क्या वही कांग्रेस मैं वही बात कह रहा हूँ ये तो अनंत कथा है इनकी ये तो सब कर्म दरोगा को बोल दिया कि ज्यादा मुसलमान और चमार जो जाटप है राम है उसके वोटर्स यदि निकल गए अड़तालीस प्रतिशत से ज्यादा तो तुम समझो खैर नहीं अब लगभग बूथ उठा के देख लीजिए कि पचास क्रॉस नहीं किया कोई ज्यादा मुसलमान का सिंह आप उठा के देखिए कि हर तरह के पाप करते हैं जीतने की कहाँ संभावना रही है लेकिन जहाँ पर दो सीट भी कांग्रेस नहीं थी वहाँ कांग्रेस नेतृत्व पर वहाँ के शीर्ष नेतृत्व चले स्टेट के तो वो सरकार बना ली लेकिन जहाँ शीर्ष नेतृत्व को उन्होंने साफ कह दिया कि आप स्टेट को हम पर छोड़ दीजिए और कांग्रेस इस माने में रहती है कि स्टेट को फ्रीडम मिलना चाहिए लीडरशिप को फ्रीडम मिलना चाहिए नेतृत्व को फ्रीडम मिलना चाहिए लेकिन आपको नहीं लगता है, इंडिया अलायंस में नीतीश कुमार को आगे करना चाहिए क्योंकि जिस तरीके ये से चुनाव के परिणाम आए हैं परिणाम इसमें चुनाव के परिणाम से क्या लेना बेहतर नीतीश कुमार ने, ने पहले ही कहा था कि ये लोग चुनाव में लग गए इंडिया अलायंस से भैया चुनाव के परिणाम तो बेहतर आई है हम किसी कारण से हम समझ नहीं पाए स्ट्रेटेजी और कमलनाथ जी का जिस तरीके से एरोगेंसी रही और जिस तरीके से कमलनाथ जी बोले या कांग्रेस की बात नहीं मानी जहां कांग्रेस की बात मानी आप देखिए जहां पर कांग्रेस ने बात माना और कैंडिडेट पुराने कैंडिडेट को हटाया वहाँ सत्तर सीट हम जीत गए राजस्थान में राजस्थान के झगड़े को पेचअप करने की भी भरपूर कोशिश हुई उसके बाद छत्तीसगढ़ में हम हो गए कि हम तो चुनाव जीते हुए हमको बहुत कुछ नहीं करना है सवाल यहीं पर उठता है हमारा कांग्रेस का ओवर कॉन्फिडेंस के कारण कांग्रेस का नहीं नेताओं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के ओवर कॉन्फिडेंट के कारण और कमलनाथ जी की जो एरोगेंसी रही अखिलेश फखलेश जो देव दिग्विजय का धोती फारो या जिस तरीके से उन्होंने कंप्लीट एन इंडिया के रैली को उन्होंने रोक दिया या एकदम अपने तरीके से चलना शुरू किया केंद्रीय नेतृत्व पर उनको भरोसा ही नहीं रहा उनके सर्वे पर उनकी चीज़ों पर तो जिसका नतीजा हुआ कि वहाँ के जो कमलनाथ जी का जो ईगो है ना वो समाप्त किया यहाँ हम पहले ही हो गए थे कि जनता हमको जिता दी